फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज फ्रॉम आरपी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेट्रो टेक्निकल असिस्टेंट एग्जाम की, जो कि एक वैकेंसी है जो कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का निकाली गई है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। और जैसा कि आप सभी लोग में से कई लोग ऐसे होंगे जो मेरे चैनल से पहले से जुड़े होंगे, तो उन्होंने डीआरडीओ सेप्टम का फॉर्म भरा होगा, तो लगभग ये भी वैसे ही उसी तरह की वैकेंसी है जो कि डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। और आपका जो सब्जेक्ट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के पोस्ट इसमें आए हैं। इसमें भी वैकेंसीज तो कम होती हैं लेकिन इसमें भी आपके जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं और बीएससी किए हुए लोग हैं, मतलब सिंपल ग्रेजुएट जो बैचलर्स ऑफ साइंस किया है जिन्होंने, वो प्लस डिप्लोमा जैसा कि हमारे डीआरडीओ सेप्टम में था, वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जॉब है। जो लोग डीआरडीओ में की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो तैयारी भी साथ में कर रहे हैं, उनको अपना सब्जेक्ट भी पढ़ना है, इसमें भी सारी सेम चीजें आपको वही पढ़नी है सेम सिलेबस के साथ। और जो लोग डीआरडीओ में असफल हो गए हैं किसी कारणवश, कुछ नंबरों से रह गए हैं या फिर ज्यादा नंबरों से रह गए हैं, उनके लिए एक और बहुत ही गोल्डन चांस है, तो वो लोग भी इस जॉब को भरे और इसको तैयारी करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल सर्विस ग्रुप बी नॉन गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल, ये पोस्ट है, यानी ग्रुप बी की पोस्ट है। लेवल 6 का आपको यहाँ पर पे मैट्रिक्स मिलता है। इसमें आपकी बेसिक पे 35,400 होती है। इसके अलावा आपको डीएनएस अलाउंस मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता है, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, स्पेशल अलाउंस मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम और भी बहुत कुछ। तो इतने सारे अलाउंस भी मिलते हैं। सॉरी, माफ कीजिएगा, आज थोड़ी खांसी आ रही है। उसके बाद अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स के लिए है, जहाँ पर सितंबर में कई सारे सब्जेक्ट्स के लिए थे, यहाँ पर सिर्फ 2 है, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस। टोटल वैकेंसीज 50-75 है और अनरिजर्व्ड में आप देख सकते हैं 20 और 28 है। उसके बाद अगर आपका मेडिकल में, जैसे कि यहाँ पर मेडिकल जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं थोड़े बहुत, उनके लिए भी यहाँ पर उनका क्राइटेरिया दिया हुआ है कि किस तरह के लोग इसको भर सकते हैं। ये सारी जो आपके एचएच ओएल ओएल कैटेगरी है, ये सब आपको नीचे मेंशन किया होगा। आपका मैं ये जो है नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चाहें तो उसे वहां पर जाकर के पढ़ सकते हैं। तो आइए हम डिटेल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका बैचलर डिग्री इन साइंस होना चाहिए, मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट हो या फिर फिजिक्स हो, ठीक है। उसके बाद अगर इसके अलावा अगर आपने 3 ईयर डिप्लोमा कर रखा है, जिसको पॉलिटेक्निक कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तो भी आप एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा या टेक्निकल प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इन सब में से किसी में भी आपको आर्म फोर्सेस के द्वारा ये अवार्ड की गई है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आपको कंप्यूटर का पे काम करने का नॉलेज होना चाहिए। साथ में कंप्यूटर साइंस के लिए भी सेम वैसा ही है, अगर आपने बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स से की है तो आप भर सकते हैं। बैचलर डिग्री अगर आप कंप्यूटर साइंस या एप्लीकेशन में आपने पाई है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और प्लस आर्म फोर्सेस के जो सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं इससे रिलेटेड आपने अगर वो किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स है। उसके बाद आपकी सर्विस कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, द कैंडिडेट अपॉइंटेड एज टेक्निकल असिस्टेंट आर लायबल टू सर्व थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, मतलब आपको इंडिया में भी बहुत जगह ट्रांसफर मिल सकते हैं, साथ में आपको इंडिया के बाहर भी काम करने का मौका मिल सकता है। दिस शैल बी लायबल टू फील्ड सर्विस इंक्लूडिंग सर्विस ऑन सी प्लेटफॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ सच वर्क एज मे बी अप्रूव्ड बाई ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब ये एक ऐसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो थोड़ा रिसर्च टाइप का काम करती है, जैसे हमारी रॉ है, इंटेलिजेंस इनपुट वगैरह कलेक्ट करती है, आईबी है, तो ये भी उसी के इक्विवेलेंट एक संस्था है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन आपका जैसे गवर्नमेंट का रूल होता है उसी तरह है। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स में क्या है, आपका 15 मार्च से ये एप्लीकेशन शुरू होगा। आज 2 तारीख है, 2 मार्च है, अभी आपके पास अच्छा खासा समय है, उसके बाद ये शुरू होगा और उसके बाद 21 दिन तक आपका ये फॉर्म भरा जाएगा, लगभग 4 अप्रैल तक। लेकिन फॉर्म को शुरुआत के समय में ही भर दें, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि लास्ट के दिनों में बहुत ज्यादा लोड हो जाता है सर्वर पे और वो सही वेबसाइट वर्क नहीं करती है। तो द टेंटेटिव डेट ऑफ टीयर 1 एग्जाम इज अप्रैल 28, 2019। तो यहाँ पर देखिए डेट भी क्लियर इन्होंने कर दिया है कि 28 अप्रैल को आपका एग्जाम हो सकता है
और टीयर टू का असेसमेंट अगर जरूरी होगा उनको लगेगा तो वो जो है कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे 18 से 19 मई 2019। उसके बाद आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर दे दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका जर्नल साइंस, करंट अफेयर्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड कंसर्न सब्जेक्ट में या स्ट्रीम में, जैसे कि दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब कि इसमें आपका जो नॉर्मल पार्ट होता है जीके जीएस या करंट अफेयर्स, तो यहाँ पर जीके जीके नहीं दिया हुआ है, तो जर्नल साइंस, करंट अफेयर्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, आपको इंग्लिश भी नहीं पढ़नी इसमें, प्लस आपको आपका मेन सब्जेक्ट पे कमांड रखना है जो कि आपका इसमें सिलेक्शन को एकदम पक्का करेगा। आपको अपने जो भी आपने अपने डिप्लोमा में या ग्रेजुएशन में पढ़ा है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, इसमें आपको मजबूत होना पड़ेगा। जैसा कि डीआरडीओ सेप्टम को अगर आपको क्रैक करना है तो आपके पोस्ट जो सब्जेक्ट रिलेटेड है उसमें आपको अच्छा करना पड़ेगा। उसके बाद है कि ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, मतलब 1/4 आपकी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क कट जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है के रेशियो में, मतलब एक सीट पे 50 वैकेंसीज को ये लोग टीयर 1 में क्लियर कराएंगे, उसके बाद टीयर 2 होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा नहीं है पूरे भारत में, देखिए नोएडा, न्यू दिल्ली, जयपुर, मोहाली, गुवाहाटी, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, कोलकाता, भुवनेश्वर, विजयवाड़ा, रांची, तो जो भी आपके आसपास हो आप वहाँ पर भर सकते हैं। और यहाँ पर अप्लाई करने का पूरा वो दिया हुआ है, तो ये अप्लाई ऑनलाइन ही होगा, और इंट्रोरेक्ट यहाँ पर वेबसाइट जो दिया है इंट्रो नेट्रो रिक्रूटमेंट का शॉर्ट फॉर्म है recruitment.in, इस पर आपको ये मिलेगा। तो ये लिंक भी आपको जैसे ही आएगा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वेबसाइट के वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसको बिल्कुल हाथ से जाने ना दें, और उम्मीद है आपको इस गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपको समय से मैंने बता दिया होगा और आपको ये बेनिफिट करेगा, आप इसको भरेंगे, निकालेंगे और भविष्य में भी ऐसी जॉब्स को बारे में जानने के लिए, उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत नॉलेज के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। जो भी आपके दोस्त इन सब एलिजिबिलिटीज को फॉलो करते हैं वो इसको भर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, भारत माता की जय, जय हिंद।